नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान सेतु पोर्टल के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आयुष्मान सेतु पोर्टल यहाँ पर फिर से लॉगिन प्रॉब्लम आना यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर इस लॉगिन प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन करना है, तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहे, वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिना स्क्रिप के वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसी पर ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आयुष्मान सेतु पोर्टल में लॉगिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना सेतु पोर्टल ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थ्री लाइन शो करना है, थ्री लाइन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर देख सकते आप पहले यहाँ से कौन से लॉगिन करते थे। यहाँ पर स्माइल TSS पे क्लिक करके लॉगिन करते थे। चलिए यहाँ पर हम स्माइल TSS पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन का पेज ओपन हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम साइन इन पे पेज पर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मोबाइल में डाल के यहाँ पर गेट OTP किए, यहाँ पर सक्सेसफुल OTP जनरेट हो चुका है और यहाँ पर हम OTP फिल करके आपको डायरेक्ट यहाँ पर साइन इन क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पर हम साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं पोर्टल यहाँ पर अभी ओपन हो चुका है। चलिए यहाँ पर आपको पहले जहाँ सारा ऑप्शन लाते हैं आप वहाँ से काम कर रहा है कि नहीं। चलिए आपको क्या करना है, आपको थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन शो करेगा फेस RD कॉन्फिगर, इस पर क्लिक कर देना है। उसके नीचे शो करेगा कनेक्ट टू मोबाइल RD सर्विस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने फिर आपको गो होम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गो होम पे क्लिक करने बाद यहाँ पर पोर्टल पूरी तरह से ओपन हो जाता है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं गो होम पे क्लिक करने बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर बैक कर देता है। तो यहाँ पर अभी लॉगिन नहीं हो रहा है। चलिए आपको यहाँ पर अब लॉगिन नहीं हो रहा था, आपको हम फिर से यहाँ पर जहाँ पहले लॉगिन होता था वहाँ से लॉगिन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर से होम पेज पे आ चुके हैं और आपको क्या करना है, थ्री लाइन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर क्या करते थे, अब यहाँ से स्माइल TSS से आप लॉगिन नहीं हो रहा था, आपको क्या करना है, आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने वाले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन शो कर ऑपरेटर सेल्फी यूजर। चलिए यहाँ पर पहले दोनों यहाँ पर ऑप्शन पर डाल कर हम चेक कर लेते हैं कि अभी लॉगिन हो रहा कि नहीं। पहले सेल्फी यूजर पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, डालने बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं OTP जनरेट फेल ड्यू टू मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर, यहाँ पर इनवैलिड बता रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं बता रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी यहाँ से अभी लॉग इन नहीं हो रहा और यहाँ से स्माइल ट्रांजेक्शन वहाँ से भी नहीं लॉग इन हो रहा है, स्माइल TSS भी वहाँ पर लॉग इन नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर वेट कर लेना। दोस्तों इस पोर्टल में यहाँ पर कुछ अपडेट होने वाले तभी इस तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का आपको 2 से 3 दिन यहाँ पर सामना करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर इस पोर्टल फिर से यहाँ पर लॉग इन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका हम आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 दिन वेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर पोर्टल फिर से यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 2 से 3 दिन वेट कर लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।